गदर 2 को सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट दिया है। इसके अलावा फिल्म में 10 कट्स भी लगाए गए हैं। कई डायलॉग्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली है। फिल्म में दंगे के दौरान हर हर महादेव के उद्घोष को हटा दिया गया है। तिरंगे की जगह झंडे शब्द का प्रयोग किया गया है। फिल्म के फाइटिंग सीन के बैकग्राउंड में शिव तांडव बज रहा था, जिसे एक नॉर्मल म्यूजिक में तब्दील किया गया है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 50 मिनट है। फिल्म में कौन कौन से बदलाव किए गए बताते हैं। फिल्म में गीता और कुरान के रेफरेंस में एक सीन है, उस सीन में डायलॉग है, दोनों एक ही तो हैं, बाबा नानक जी ने भी यही कहा है। अब इस डायलॉग को बदलकर एक नूर ते सब उपाजे, बाबा नानक जी ने भी यही कहा है कर दिया गया है। फिल्म में एक जगह बास्टर्ड को बदलकर इडियट कर दिया गया है। फिल्म में डिफेंस मिनिस्टर को रक्षा मंत्री कर दिया गया है। एक गाने के बोल बता दे सखी कहां गए शाम को बदलकर बता दे पिया कहां बिताई शाम किया गया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में और भी बदलाव किए हैं। फिल्म में एक सीन है जिसमें दंगों के दौरान हर हर महादेव का उद्घोष किया जाता है, इसे हटा दिया गया है। फिल्म के अंतिम पार्ट में एक हिंसक सीन है, उस सीक्वेंस के बैकग्राउंड में शिव तांडव और कुछ मंत्र चल रहे हैं, उन्हें बदल दिया गया है। इसकी जगह पर किसी नॉर्मल म्यूजिक को लगाने की बात कही गई है। सेंसर बोर्ड का मेकर्स को निर्देश है कि वे फिल्म में दिखाए गए सभी श्लोकों और मंत्रों की ट्रांसलेशन कॉपी बोर्ड में जमा कराएं। फिल्म में 1971 में भारत पाक युद्ध के रेफरेंस में कई चीजें दिखाई गई हैं, जिसका पूरा फैक्ट्स मेकर्स को बोर्ड के सामने रखना होगा। यहां तक कि फिल्म के डिस्क्लेमर में भी बदलाव करने की बात कही गई है। इस बार फिल्म के विलेन मनीष वाधवा हैं। वे फिल्म में पाकिस्तानी फौज के जनरल बने हैं। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राणा भाटिया ने इस मसले पर दैनिक भास्कर के अमित कर्ण से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिल चुका है। सेंसर बोर्ड ने कुछ डायलॉग्स में बदलाव कराए हैं। जैसे एक सीन में पाकिस्तानी अफसर कहता है, हम तिरंगे को हरे रंग में रंग देंगे को बदलकर तुम्हारे झंडे को हरे रंग में रंग देंगे कर दिया गया है। गदर 2 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। इसका अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 से क्लैश होना था, हालांकि अभी OMG 2 में सेंसर बोर्ड के निर्देशानुसार काफी सारे बदलाव होने हैं। इसकी वजह से OMG 2 की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है। ऐसे में गदर 2 थिएटर्स में सिंगल रिलीज हो सकती है। खबरें और भी हैं। सब्सक्राइब करो फिल्म वाला को और जानिए ऐसी ही दिलचस्प बातें।